हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन इसमें हम लोग पहले जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के पूरे ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम को पास नहीं करके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। बोल रहा है क्या कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण। अगर दर्पण बोले मतलब प्रतिबिंब उसका सीधा प्रतीत होने के लिए बोले तो आप लोग मारिएगा डी, या तो समतल होगा या तो अथवा उत्तल होगा, समतल अथवा उत्तल। देखिए सेकंड, प्रकाश की किरणें गमन करते तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। थर्ड बोल रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते, दो नियम होते हैं। फिर फोर नंबर बोल रहा है कि परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, फाइव नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही ये आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग का उदाहरण तो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण भी एक चैप्टर है, इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से फर्स्ट नंबर के जाना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सेकंड नंबर बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। अगर समान आकार का बनने के लिए बोल रहा है कैसा भी दर्पण हो तो उसको वक्रता केंद्र के सामने रखेंगे। थर्ड बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में कैसा होगा तो सीधा एवं ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या तो सीधा एवं हासिल होता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं देखेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/a। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। किसी कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है, तो अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग पशदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो क्या, ऋणात्मक। नाइन नंबर ऑप्शन है कि क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। उसके बाद टेन नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करेंगे। देखिए टेन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक का उल्टा। ग्यारह देखेंगे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो क्या, अवतल दर्पण। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगता कि मापने की जरूरत है, तो क्या, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ये दोनों नापा जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। तेरह देखिए, गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए अब अगला क्वेश्चन जानते हैं चौदह नंबर से। चौदह नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर यानी फोकस बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू। कितना देख, एक क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया है, बोले तो आर बराबर दिया हुआ है कितना, 32, और ये दो से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 16, यानी +16 ऑप्शन सही हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। 15 देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा। 17 क्वेश्चन देखेंगे, कोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है क्या, तो क्या भी चीज़ के संबंध है, तो एफ बराबर आर बाई टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f = r, देखिए ये ऑप्शन सही होगा, 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भाष्य सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 18 के बाद देखिए हम लोग आगे जानने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो क्या होता है, तो या तो समतल अथवा उत्तल।
इसमें देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 नंबर, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे द इंडिया, यानी ये पूरा खत्म हो गया, प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर का ये पूरा ऑब्जेक्टिव था, यही पूरा खत्म हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो ऐसे ही तरीके से मैं इससे भी बेहतरीन ढंग से वीडियो लाते रहूँगा सभी चैप्टर सभी विषय का। तो अभी तक के लिए जय हिंद।